नमस्कार, जी बिजनेस पर सैमको द्वारा प्रायोजित सेगमेंट मिशन एस द इंडेक्स में आपका स्वागत है। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके कल के इंडेक्स एसर राजेश तयाल साहब फिलहाल हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं और सर ने कल इंडेक्स को करीब 8% से आउट परफॉर्म भी किया। कल तो ऑफकोर्स थोड़ा सुस्त भी था बाजार, बट तयाल साहब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही आपकी, जरा बताएं कैसे बनाई इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए सर, स्ट्रेटजी क्या है मार्केट के अंदर, कई बार स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, आपका कॉन्फिडेंस काम करता है जी। ट्रेडर्स के अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है और ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया अक्टूबर सीरीज से। जब अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी हुई थी तब 18,800 का लो लगा था और वहां पर FII की पोजिशन जो थी वो थी 11%। वहां से जो कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ और जो जी बिजनेस पर भी डेली हम लोग देखते हैं, डेली बताते हैं, वहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि निफ्टी के अंदर अभी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो रहेगी बाइंग ऑन डिप्स की। मार्केट के अंदर, इस मार्केट में पैसा वही बनाएगा साहब जो डटा रहेगा, जो खड़ा रहेगा, जो ना डरेगा ना झुकेगा, हर डिप्स पर आप खरीदारी करेंगे। 5 स्टेट के जब इलेक्शन आए 3 दिसंबर को, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ कि मार्केट के अंदर अभी स्टेबिलिटी आएगी। जब मोदी साहब वापस आएंगे अभी 2024 के अंदर इलेक्शन में, तो उस समय कॉन्फिडेंस हमारा और बूस्ट होगा और उसके बाद मैंने बाइंग की नीति बनाई कि जब भी डिप्स आएगा मार्केट के अंदर मैं बाइंग साइड में रहूंगा। मैंने स्टॉप लॉस अपना 20,500 का रखा था और हर डिप्स में मैंने खरीदारी की थी। मेरी स्ट्रेटजी नीट एंड क्लियर है साहब, अप्रैल तक बाइंग साइड में रहना है। 22,000-23,000 निफ्टी का टारगेट आएगा, उससे पहले प्रॉफिट बुक नहीं करना है। और यही अनिल सर कहते हैं, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूं साहब, कि बेचना नहीं है। एक टाइम था जब खरीदना नहीं था लॉकडाउन के टाइम में और अभी बोल रहे हैं साहब कि बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। तो मैं उनको फॉलो करता हूं साहब, प्रॉफिट बनता है, अच्छा खासा बनता है, आप लोगों का आशीर्वाद है। और अच्छा लगता है आपसे बात करके, रेगुलर व्यूअर हैं, दिख ही रहा है आपकी आवाज़ से और बात करने के स्टाइल से कि बाजार में कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखना है। बताएं सर, अब रिकॉर्ड हाई पर बाजार है और कुछ क्या कर रहे हैं बाजार में? सर, रिकॉर्ड हाई पर बाजार बेशक है, लेकिन अभी भी हम लोगों ने वो तेजी देखी नहीं है जो तेजी अभी आने वाले समय में और आएगी। डाउ जोन्स देखिए साहब, कल 35 ईयर्स लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है 37,000 के ऊपर जाकर के। और अभी जो ये फेडरल बैंक की पॉलिसी का आउटकम आया है जिसके अंदर पावल साहब ने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया कि नेक्स्ट ईयर हम लोग 3-4 रेट लेके आ सकते हैं, उससे अभी डाउ जोन्स में और जबरदस्त तेजी आएगी। अभी सिर्फ एंटीसिपेशन में इतनी तेजी बनी है, तो जब रेट कट आएगा साहब उसके बाद क्या तेजी बनेगी वो काबिले तारीफ होगी। अभी यहां से इस सीरीज के अंदर 21,500-21,600 का लेवल बनता है दिसंबर सीरीज में, और जनवरी सीरीज की बात करें तो 22,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं साहब। अभी भी मैं बाइंग और डिप्स की स्ट्रेटेजी पर ही रहूंगा, जैसे कोई डिप्स आएगा मैं बाइंग करूंगा। 21,600-21,700 का लेवल जो है वो बेस्ट लेवल है बाइंग के लिए। आप थोड़ा लंबे समय का होराइजन रखिए, 15 दिन का, 10 दिन का, वीकली एनालिसिस मत रखिए, 5-7-10 दिन का रखेंगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा। देखिए सर, पीसीआर हमारा कंफर्टेबल है, इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद अभी काफी ज्यादा बढ़ गई है। डाउ जोन्स ने भी 32,000 के लेवल से शानदार रिकवरी दी है, 37,000 तक लाइफ टाइम हाई पे काम कर रहा है। और सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा सर मैं जी बिजनेस की टीम को, अनिल सर को, आपको सर, जो पूरा दिन जितने इन्वेस्टर हैं उनका कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। मार्केट में बार बार कहता हूं सर, कॉन्फिडेंस वाला ही पैसा बनाएगा और कोई पैसा नहीं बनेगा। पैसे और अच्छा लग रहा है सर आपके कॉन्फिडेंस को भी देखकर मार्केट में, और इसलिए हम देख भी रहे हैं कि आपने इतने बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई और इतना बढ़िया मुनाफा भी कमा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई तयाल साहब आपको इंडेक्स एसर बनने के लिए, और ऑफकोर्स हमारे रेगुलर भी हैं उसके लिए भी शुक्रिया। आशा करते हैं कि आगे भी आपसे ऐसी ही बढ़िया परफॉर्मेंस आती रहेगी। तो ये था हमारा खास फीचर सैमको का मिशन एस द इंडेक्स, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।